हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। अपनी अद्भुत संरचना और बेमिसाल खूबसूरती के लिए विश्व भर में विख्यात रानी की वाव भारत के गुजरात शहर के पाटन गांव में स्थित है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर बना यह एक भव्य सीढ़ी नुमा कुआ है, जिसकी इमारत 7 मंजिला है। तो आइए जानते हैं दुनिया भर में मशहूर इस बावड़ी के बारे में, इससे जुड़ी इसके इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। यह इमारत अपने प्रकार की एकलौती बावड़ी अथवा रानी की बाव है, जो चारों तरफ से बेहद आकर्षक कलाकृतियों से और मूर्तियों से घिरी है। इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण 11वीं सदी के आसपास सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस बावड़ी को इसकी अद्भुत एवं विशाल संरचना और अनूठी शिल्पकारी भव्यता के साथ ही भूमिगत जल के उपयोग एवं बेहतरीन जल प्रबंधन की व्यवस्था की वजह से यूनेस्को द्वारा साल 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस विशाल ऐतिहासिक संरचना के अंदर 500 से भी ज़्यादा मूर्ति कलाओं का बेहद शानदार ढंग से प्रदर्शन किया गया है। इस ऐतिहासिक बावड़ी को साल 2018 में RBI द्वारा जारी 100 रुपये के नए नोट पर भी प्रिंट किया गया है। इस बावड़ी का निर्माण रानी उदयमती ने लगभग 11वीं सदी में अपने स्वर्गवास पति भीमदेव की स्मृति में करवाया था। सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव ने वडनगर गुजरात पर 1021 से लेकर 1063 ईस्वी तक शासन किया था। अहमदाबाद से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर बनी यह ऐतिहासिक धरोहर रानी की बाव प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इसकी वास्तुकला मारू गुर्जर स्थापत्य शैली है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है कि इसका निर्माण पानी का उचित प्रबंधन करने के लिए किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा की बेहद कमी थी। यह बावड़ी कई सालों तक नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से धीरे धीरे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में दब गई थी, जिसके बाद करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह की खुदाई की और काफ़ी खुदाई करने के बाद यह बावड़ी पूरे दुनिया के सामने आई। और अच्छी बात यह रही कि सालों तक मलबे में दबने के बाद भी रानी की बाव की मूर्तियां शिल्पकारी काफ़ी अच्छी स्थिति में पाए गए। सीढ़ी नुमा संरचना वाली इस भव्य बावड़ी की पूरी संरचना भू स्तर के नीचे बसी है, जिसकी लंबाई करीब 64 मीटर, चौड़ाई करीब 20 मीटर है और यह 27 मीटर गहरी है। इसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा छोटी मूर्तियां हैं। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां बेहद आकर्षक तरीके से नक्काशी की गई हैं और यहां वामन, राम, बराही, कृष्णा समेत अन्य भगवानों के अवतारों की मूर्तियां भी हैं। और इसमें माता लक्ष्मी, पार्वती, भगवान गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, भैरव, सूर्य समेत तमाम देवी देवताओं की कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। इस इमारत को साल 2016 में दिल्ली में हुई इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस में क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस के पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये थी रानी की वाव से जुड़ी मुख्य बातें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।